अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैदराबादी तड़का। आज हम एक नई रेसिपी के साथ आए पिलापिल। इसका रेसिपी नोट कीजिए। मैं 2 कप काबुली चना लिए थे। इसको अच्छे से वॉश करके वो ओवरनाइट के लिए मैं सोक करने रख दिए थे। इसको मॉर्निंग में अच्छे से वाटर ड्रेन करके इसको चॉपर में डाली। इसमें 1 डली प्याज डाली और पार्सली डाली। पार्सली डालने के बाद इसको अच्छा सा पीस लूंगी। देखिए, इसमें एकदम चनों को नहीं डाल देना चॉपर में, और आप ग्राइंडर में भी जार में पीस सकते हैं। और ये थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली डालेंगे ये चनों को, सारे चीज़ों को। इसमें मैं 1 डली प्याज डाली और पार्सली डाली, थोड़ा सा नमक डाली। और अगर आपको लगे इसमें पानी डालना चाहिए तो थोड़ा सा 2-3 टेबलस्पून से ज़्यादा मत डालिएगा। इसमें एक्चुअली पानी डलता नहीं है, प्याज का पानी काफ़ी हो जाता। जी, अभी थोड़े से चने रह गए, अभी वो भी डाल के आखिर में सेलरी स्टिक डाल के वो भी इसमें डाल के मैं पीस दूंगी। सेलरी स्टिक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा बआसानी। देखिए, इसको मैं बॉल में ट्रांसफ़र कर दी। इसमें अभी क्रश किया हुआ धनिया डालेंगे, साबित धनिया क्रश करके डाली मैं 1 टेबल स्पून। आपको चाहिए तो 1.5 टेबल स्पून भी डाल सकते, उससे बहुत मज़ा आएगा इसका। और इसमें वन टेबल स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डाली। ज़ीरा पाउडर डालने के बाद कुटा हुआ ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, और नमक मैं पहले भी डाली, थोड़ा सा कम लगा तो फिर मैं डाल रही हूँ। 1 टीस्पून डाली मैं इसमें। इसमें बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, तिल डाली, तिल 2-3 टेबलस्पून्स डाली मैं। तिल ज़्यादा भी डाल सकते, बहुत टेस्टी आए टेस्ट आएगा इसमें तिल से। इसमें टेस्ट इन्हेंस करता है ये तिल और
आपका धनिया, कुटा हुआ धनिया, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, सारी चीज़ें एक जान हो जाए अच्छे से मिक्स करके। फिर इसको, अगर आपके पास इसका मोल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जैसा हम वड़ा बनाते अपना साउथ इंडियन स्टाइल में ऐसा भी बना सकते। इसमें मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डाली, पानी बिल्कुल नहीं डाली, वो प्याज का और ये सेलरी स्टिक का जो पानी आया वही पानी काफ़ी हो गया। देखिए, मैं ऑयल एक साइड गरम होने के लिए रख दी। मैं ये फिलाफिल का मोल्ड है, इसमें मैं फिल कर रही हूँ। मैं ज़्यादा दबा के भी फिल मत करिएगा, थोड़ा जेंटली प्यार से इसको भरिए। और अगर ज़्यादा दबा देंगे तो फिर वो नहीं निकल पाएगा। वो जब आप तेल में ड्रॉप करेंगे तो वो निकलेगा ही नहीं, फिर परेशान हो जाएंगे आप। थोड़ा आहिस्ता, और इसको फ्रीज करने का भी तरीका बताऊं मैं आपको। इसको बना के हाफ फ्राई करके, ठंडा करके, सेल्फ सीलिंग कवर्स में डाल के इसको फ्रीज कर सकते। माह रमजान में आपको आराम से चल जाएगा। देखिए, तेल गर्म हो चुका है, मीडियम हीट हुआ हुआ है तेल। ज़्यादा गर्म मत करिए, ओवर हीट मत करना। अंदर से, बाहर से तो कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। देखिए, और एक भी बताऊंगी, बता रही मैं आपको, इसी तरह बनाएंगे सारे। फिर मैं सारे बना के डिश आउट करूंगी, और ये मिडिल ईस्ट का फेमस स्नैक में से एक स्नैक है, बहुत टेस्टी रहता है ये, ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है ये, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक दीजिए ज़रूर। देखिए, इसी तरह सारे मैं बना के डिश आउट करके बताऊंगी। देखिए, बन के टेबल पे आ चुका है, इसको हुम्मस के साथ, केचप के साथ, कटमी टिमली की चटनी के साथ खा सकते। ओके, आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर एक नई रेसिपी के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।